Hello all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and you are watching how to make website professionally. Last video में हमने एक custom grid template बनाया था Photoshop में जो इस तरह दिखाई दे रहा था and उसके पहले वाले वीडियो में हमने एक rough wireframe बनाया था जिसे मैंने SD में कन्वर्ट किया है इस तरह से। इसके लिए मैंने पेंट ब्रश का यूज़ किया है। ओके, लास्ट टाइम हमने स्केच किया था देन उसको मैंने रेक्टेंगल टूल के थ्रू इस तरह बनाया है। अब हम बनाने वाले हैं एक मॉकअप इसी ग्रिड टेम्पलेट पर एंड इस वायर फ्रेम के बेसिस पर। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इनके सेक्शंस डिवाइड करूँगा। हॉरिजॉन्टल सेक्शन गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, देन सेक्शन बाय सेक्शन में इन्हें बनाऊँगा एंड फोटोशॉप जिन्हें नहीं आता वो भी इन्हें बना सकते हैं। आपको केवल 3 कीवर्ड का ध्यान रखना है, इट इज़ U T and V। U फॉर रेक्टेंगल, T फॉर टेक्स्ट एंड V फॉर मूव टूल। जनरली हम इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं एंड लेयर मैनेज करने वाले हैं लेयर पैनल से। ओके, सो इट इज़ अ टाइम लैप्स वीडियो, मैं आपको सब कुछ बहुत तेज़ी से बताने वाला हूँ, सो ध्यान दीजिएगा एंड आपकी जो भी क्वेरी होती है आप इस वीडियो के नीचे टाइप कर सकते हैं। ओके, सो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसे बनाना। ओके, तो यहाँ हमने एक मॉकअप रेडी किया है जो काफ़ी ग्रे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इसमें अभी इमेजेस सेट करना बाकी है और कुछ चेंजेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिन्हें मुझे फिक्स करना होंगे। जो कि PSD को आप ब्राउज़र में देखते हैं तो आपको कुछ चेंजेस हमेशा दिखाई देते हैं, ये एक कॉमन चीज़ है। ओके, तो आपको हमेशा ब्राउज़र में आपकी PSD को चेक करना चाहिए और उसके बाद उसे फिक्स करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें गूगल से इमेजेस सर्च करके इमेजेस ऐड करता हूँ और इसमें जो चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो फिक्स करता हूँ। एंड जब मैं इसमें इमेजेस ऐड करता हूँ और इसके चेंजेस फिक्स करता हूँ तो ये मॉकअप मुझे कुछ इस तरह दिखाई देता है। ओके, तो आप भी इस तरह का एक मॉकअप बनाइए और उसमें इमेज ऐड कीजिए एंड फिर हम उसे कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। ओके ऑल, तो हम एक वायर फ्रेम को कन्वर्ट कर चुके हैं एक मॉकअप में एंड अब इस मॉकअप को कन्वर्ट करेंगे एक कोड में। ओके सो बने रहिए हमारे साथ एंड सीखते रहिए हाउ टू मेक वेबसाइट प्रोफेशनली। कीप प्रैक्टिस एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब अस एंड हैप्पी कोडिंग।